सदियों पहले भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे दक्षिणी क्षेत्र में दो महाशक्तियां थी, कुट्टाईपट्टिनम और कलिंगपुरी। ये दोनों एक दूसरे पर अधिकार करने के हिंसक उन्माद में कई खूनी जंगों में आमना सामना कर चुकी थी। साहस, वीरता और विश्वासघात की इस महागाथा में एक ऐसी छलपूर्ण घटना घटी जिसने न सिर्फ इतिहास के पन्नों को कलंकित किया बल्कि समय की आंख में आंसू बनकर जम गई। उस घटना के बाद बालक राणा कुट्टाईपट्टिनम के जल प्रपात में गिरा और बहता बहता कई दिनों तक कई देशों से गुजरता हुआ कलिंगपुरी के किनारे लग गया। अनाथ बच्चों के बीच पला बढ़ा राणा अपनी चतुराई से कलिंगपुरी के कठोर सैनिक महाविद्यालय में स्थान पाने में सफल हो गया। अपने अंदर के फौलाद को एक अजेय, अद्वितीय और महान योद्धा के सांचे में डालकर उसने कई युद्ध जीते। जैसे जैसे समय बीता राणा की तलवार की ताकत बढ़ती गई। महाराज की जय हो। महाराज, राज सलाहकार परिषद ने एक मत से निर्णय लिया है कि राणा ही राज्य का महासेनापति बनाने के योग्य है। मैंने तो राणा के पांव पालने में ही पहचान लिए थे। राणा को कलिंगपुरी का महासेनापति नियुक्त करने में मेरा परिपूर्ण समर्थन है। राणा को उपस्थित किया जाए।
शमशीर से तू शम्स पैदा कर, अपनी तदबीर से जहां कुशैदा कर, साहस की दीवार है कायम होगा दरों, बिजली की रफ्तार है अंबर पे होगा कदम, रोके बंजो अगर बनेंगे पवन बनेंगे, वीरों के वीर तू हो, कल की तस्वीर तू हो, जीत का शंख बजा सब पे फतह पाऊं, बन के खुशी की बजा दिल में जगह पाऊं, आया पार कर मौसम, जीत का मौसम नीला नीला है रंग सूर्य, आज का आखिरी सितारा, कारवा है तू यहाँ का हुक्मरा है, शेर की आंखें सलाके सलाके, वीरों के वीर तुम हो, कल की तस्वीर तुम हो, आए गुरूर अगर उसको मिटा देंगे, प्रेम के आगे ये सर अपना झुका देंगे, शमशीर से तू शम्स पैदा कर, अपनी तकबीर से जहां कुशैदा कर, आया बाब का मौसम, आया जीत का मौसम, नीला नीला है गगन छूले, आज का आखिरी सितारा, सो आओ राणा आओ। आज से राणा रणविजय कलिंगपुरी का महा सेनापति है, यह घोषणा करते हुए मुझे गर्व है। जो आज्ञा महाराज। मेरा दोस्त हमारा सेनापति, मुझे ये बोलते हुए भी कितना आनंद होता है। मुझे विश्वास है कि तुम राज्य की कमजोरियां तो दूर करोगे ही, मगर क्या तुम्हें पता है हमारे राज्य की असली ताकत क्या है? आओ तुम्हें दिखाता हूं। राजमहल के नीचे इतनी बड़ी सोने की खान, इतने सालों तक ये मुझे पता ही नहीं था। ये रहस्य राज दरबार के कुछ खास लोगों को ही पता है, मगर तुम्हें ये इसलिए नहीं बताया मेरे दोस्त, क्योंकि देश दोस्ती से बड़ा होता है। चमड़ी उठा
जिन्हें तुम देख रहे हो ये हमारे युद्धबंदी हैं, और इन सभी युद्धबंदियों में कोट्टईपट्टिनम के युद्धबंदी सबसे ज्यादा हैं। इनकी वजह से ही हमारे राज्य का धन बढ़ा है। वर्धा, उठ, जल्दी चल। ये कहाँ भागे जा रहे हैं? खाना लेने के लिए भाग रहे हैं। उसके लिए इस तरह भागने की क्या जरूरत? हम उन्हें दिन में सिर्फ एक ही बार खाना देते हैं ना, इसी वजह से। दिन भर मेहनत करने वाले को दिन में सिर्फ एक बार खाना? एक गुलाम को इससे ज्यादा मिले तो वो अपना कर्तव्य भूल सकता है। मेरी एक योजना है, क्यों ना हम इन गुलामों को अपनी सेना में भर्ती कर लें? ये क्या कह रहे हो? युद्ध में अगर हम इन गुलामों को अपनी सेना के आगे खड़ा रखें तो हमारे अपने सैनिक कम मारे जाएंगे ना। हमारी सेना बड़ी हो जाने से हम दुश्मनों को आसानी से हराकर उनकी समृद्धि अपनी समृद्धि में शामिल करके और अधिक समृद्ध हो सकते हैं ना। तब बाकी देश कलिंगपुरी से डरेंगे, ऐसी वो महाशक्ति बन जाएगी। मगर हमारे दुश्मन देश के गुलाम क्या हमारे लिए लड़ेंगे? दिन में एक बार खाने के लिए भाग सकते हैं तो तीन बार के लिए तो वो कुछ भी करेंगे। मैं महाराज से आज्ञा ले लूंगा, तुम अपना काम शुरू कर दो। धन्यवाद। Thank you.
छोटे छोटे राज्यों को जीतकर कलिंगपुरी को महाशक्ति बनाने वाले राणा रणविजय, शाबाश। आज से ये शाही हार तुम्हारा हुआ। तुमने हमारे सिंहासन की बुलंदी को कई गुना बढ़ा दिया है राणा। तुम्हें क्या इनाम दिया जाए बताओ? कोटई पट्टिनम। छोटे मोटे किले जितना कोई बड़ी बात नहीं। कोटई पट्टिनम का किला जीतना चाहिए कलिंगपुरी को। मुझे आक्रमण की आज्ञा दीजिए महाराज। सेनापति, जरा ये तो सोचो, हमारी सेना आज ताकतवर है तो कोटई पट्टिनम के गुलामों की वजह से। वो भला अपनी ही मातृभूमि के विरुद्ध क्यों लड़ेंगे? क्षमा कीजिए युवराज, अब वो उनकी मातृभूमि नहीं बल्कि उनका दुश्मन देश है, जिसने उन्हें गुलाम बनकर मरने के लिए छोड़ दिया। वर्षों से अपने परिवार से मिलने के तड़प उनके सीने में आग बनकर जलती रही है। कोटई पट्टिनम को हरा कर ही अब ये आग बुझेगी। उनकी ही नहीं, हमारी भी महाराज। वीर सैनिकों, जिस कोटई पट्टिनम ने तुम्हें गुलाम बनने के लिए छोड़ दिया, उसे मिटा दे तो जंग का ऐलान करें। कोटई पट्टिनम को जीत ले। मंत्री जी, कलिंगपुरी के महाराज महेंद्र राज का पत्र है। कोट्टई पट्टिनम के महाराज रिपु दमन को हमारा नमस्कार। वो शुभ दिन जिसकी हम बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, आखिर वो आ पहुंचा है। हमारी सेना आपकी सेना से युद्ध करने के लिए तैयार है, इसकी मैं गर्व से घोषणा करता हूं। कोट्टई पट्टिनम के मान की रक्षा करने वाले वीर बांकुरों, पिछले महीने शक्तिनगर के साथ युद्ध में हमें विजय मिली, परंतु दुर्भाग्यवश हमने अपने महान सेनापति अजित वर्मन को खो दिया। हमारी इस कठिन परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए हमारे विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है हमारे पीढ़ियों के शत्रु कलिंगपुरी के महाराज महेंद्र राज ने। उन्हें सबक सिखाने के लिए और कलिंगपुरी का मान मर्दन करने के लिए तुम्हारे नायक और कोट्टई पट्टिनम के महासेनापति के रूप में मैं नियुक्त करता हूं अपने पुत्र युवराज उदयभान को। मेरे दोस्त। कितने साल हो गए मेरे दोस्त। ये है मेरा जिगरी दोस्त और ये है मेरे लोग। कोटई पट्टिनम मेरी मातृभूमि है।
कलिंगपुरी में आज तक गुलामों का जीवन जी रहे कोट्टपट्टिनम के वीरों, इस तरफ आ जाओ। हम कई साल से इस अवसर का इंतजार कर रहे थे। हम आपकी इस योजना से सहमत हैं। कलिंगपुरी के वीरों, हम तुम पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि तुम हमारे साथ यहाँ तक आए हो। तुम सब अपनी मातृभूमि को लौट सकते हो, कायरों की तरह नहीं, शर्म से भी नहीं। तुमने 1500 साल से गुलाम बने योद्धाओं को आजाद कराया है, इसलिए सीना तान कर तुम अपने देश जा सकते हो। बिना युद्ध किए कलिंगपुरी को पराजित कर देना, ये तो जैसे सपना सच हो गया। उस महान योद्धा की ऋणी है ये धरती। महाराज, युवराज उस महान योद्धा के साथ पधार रहे हैं। हम प्रसन्न हुए। सभा में शांति रहे। एक और कोच्चडया। यही है वो महान युद्धा पिताश्री राणा रणविजय। प्रणाम महाराज। कोच्चडयान राणा रणविजय। राणा, तुमने तो इतिहास ही बदल दिया, अपने पिता के विश्वासघात को उनका बलिदान बना दिया। पिताश्री, राजनीति तो बाद में होती रहेगी, पूरा देश राणा की प्रतीक्षा कर रहा है। चलो राणा। आज के इस उत्सव का कारण है कोच्चडयान राणा रणविजय। मेरा राणा? राणा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी ना? हाँ वदना। अपने बचपन के दिन ढूंढना राणा की फितरत नहीं, इसके लिए पूरा देश इसका ऋणी है। बरसों से गुलाम हजारों सैनिकों को आजाद करा कर लाया है, और साथ में युद्ध अश्व जितने खोए थे उससे ज्यादा मातृभूमि का माथा ऊंचा किया है राणा ने। ए, हटो 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 हटो, आजा आजा आजा, जल्दी आजा। राणा, भांजे भांजे छोटे, इधर देख, इधर इधर देख, इधर देख। देख लिया, देख लिया, हूबहू कोच्चडयान, बिल्कुल वैसा। हमारे देश को महाशक्ति बनाने का श्रेय राणा को है, जो अब हमारा महासेनापति भी होगा। हाँ, मिल लो, अब कितना खुशी का मौका है, इतने साल के बाद मिल रहे सब लोग। वही चाल है राजा जैसी। ए भांजे छोटे, कैसे हैं तू? भैया, तेरी छोटी बहन यमुना। भैया, ये तेरा आशीर्वाद ले ले। ऐसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोनों को एक साथ देख के कितनी खुशी हो रही है। बचपन में तुम दोनों भाई एक साथ लापता हुए थे, लौटे तुम अकेले, तुम्हारा भाई धर्मा कहाँ है? भैया कहाँ है मुझे भी पता नहीं मामा जी। कोई बात नहीं भांजे, तुम्हारी तरह तुम्हारा बड़ा भाई भी अचानक एक दिन लौट आएगा। माँ कहाँ है? परिवार टूटने से माँ का दिल ऐसा टूटा कि वो दुखी मत हो, जो हो गया भूल जाओ, अंत भला तो सब भला। अंत नहीं मामा जी, ये तो अभी आरंभ है। कोच्चडयान राणा रणविजय, सिर्फ अपने देश के गुलामों को आजाद कराने के लिए इतने साल अनाथ बनकर रहा। विश्वासघात जाए मेरे साथ, विश्वासघात। वीरभद्र ने एक दोस्त को दुश्मन बना लिया है, एक नया युद्ध छेड़ा है उसने। आज से ये युद्ध मेरे और राणा के बीच है।
नशे में, उसको खिलाया कि पिलाया है? जब से आए हैं वदना वदना कर रहे हैं, आप उसे भूले नहीं हैं। तुझे क्या परेशान? उठिए और आइए मामा जी। अरे उठो, आपने तो खा पी लिया होगा ना? क्या कहा? अरे घर आने वाले को खाने का पूछते और तुम पूछ रहे हो खा लिया होगा? दिमाग तो ठीक है? मेरा मतलब पी लिया होगा। अरे अच्छी शराब थी, इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर पी जाए, नाश्ते में पी थी। अब रोते क्यों मामा जी? दुख दबा कर रखने से दिल टूट जाता है। अरे टूटी तो गई है, यही तो रोना है। क्या मूर्ति? मुझे एक मूर्ति बनाने का काम मिला था, एक महान योद्धा की, बिल्कुल तेरी तरह। मैंने मूर्ति बना भी ली मगर टूट गई। किसने तोड़ी? इन्होंने खुद तोड़ी होगी नशे में। नहीं नहीं नहीं, जाने दो मामा जी, आप दूसरी बना लेना। अभी इसी वक्त कैसे बना लूं? इतनी जल्दी किस लिए? ग्राहक आता ही होगा, मूर्ति नहीं मिली तो मार मार के मेरे अंदर से मूर्ति निकालेगा, मेरी जान बच सकती है। मूर्ति खरीद कौन रहा है? राजकुमारी जी। वदना देवी? हाँ, मैं उनसे पेशी भी ले चुका हूँ, तभी तो फंसा हूँ। अगर तू मेरे कारखाने में आ सकता है आधे घंटे, नहीं नहीं 2 घंटे के लिए आए तो मेरा काम बन सकता है। आखिर भी मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं करना है तुझे, एकदम चुपचाप खड़ा रहना है, बिना हिले डुले मूर्ति की तरह। उनकी पेशकी लौटा दीजिए। लौटा देता होती तो तू मुझे उधार भी दे दे तो वो लेने को तैयार नहीं होगी तेरे प्यारे, मगर बेचारे मामा के खातिर कुछ देर के लिए आ जाएगा तो तेरा क्या जाएगा? ये नहीं हो सकता। तू नहीं चाहता मैं सलामत रहूं? आप सलामत कब रहे हैं मामा जी? ठीक है जाने दो, अब तो पिटाई से बचने का एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? आत्महत्या। तब निडर होकर जाइए मामा जी, मैं आपके साथ हूँ। किस लिए? मेरी चिता जलाने के लिए? अच्छा कोशिश करना कि मुझे ज्यादा गर्मी न लगे। हाय कोई तो रोको मुझे। यही रुको। आइए आइए राजकुमारी जी, आपकी कृपा से मेरा पेट, मतलब मेरा कारखाना धन्य हुआ। आइए। हम महान योद्धा की मूर्ति देखने आए हैं, हमारे अंगरक्षकों ने बताया कि वो तैयार है। तैयार है, एकदम तैयार है, मगर आप इसे तो देखिए पहले। कहाँ है हमारे योद्धा की मूर्ति? वही है, वही तो थी। सुंदर। सुंदर है? कौन सुंदर है? क्या सुंदर है? अरे ये किसकी बात कर रही है? भांजे? भांजा? राणा, यानी मेरा प्रिय भांजा। मैंने ये मूर्ति उसे ही याद करके बनाई है, तभी तो मुझसे भांजा निकल गया। जिसे हमने अभी कल ही देखा था उसे हमारी आंखों के सामने खड़ा कर दिया कैसे? अब बुलाया तो आ गया। क्या? मेरा हाथ का हुनर राजकुमारी जी। मूर्ति नहीं, लगता है जैसे वो खुद हमारे सामने खड़ा है। शुक्रिया राजकुमारी जी, इस नाचीज की इतनी तारीफ के लिए। यहाँ थोड़ा कम नहीं लग रहा? कहाँ? अरे अब ठीक लग रहा है, मगर आपने ठीक से देखा नहीं होगा शायद। शंभू मित्र जी। जी हाँ, फरमाइए। आपसे एक गलती हो गई। जानबूझ के नहीं की। क्या गलती हो? उसका पेट ऐसा तो नहीं था? अभी अभी खाना खाया ना? क्या? अभी अभी खाना खाया ना? आपकी नहीं, हम इसकी बात ठीक कर लेंगे। अरे ये ठीक कैसे हो गया? ठीक कर लिया ना, आप जो जो सुधार बोलेंगी वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ओ ऐसा क्या? अच्छा जरा करीब से देखते हैं। सांस रोक, सांस रोक के देखिए, क्योंकि मूर्ति पर ताजा ताजा रंग लगाया है। कंधे कितने मजबूत हैं। होना ही चाहिए, इतना बड़ा बोझ जो उठाना है। गाल भी चिकने हैं, जैसे मेरे चुम्बनों के लिए ही बने हैं। दे दो दे दो। चाहत की हसरत मुझको नहीं इस घड़ी, तू जाने ना चाहत मोहब्बत से बढ़कर और बेहतर होती है बात बड़ी। जरा देख ली मेरे नैन बोलते अलग जुबान। जरा देख ले, जरा देख
ले मेरे नैनों में क्या देख, अभी ना है फुर्सत पल की, है फिकर मुझे नए कल की। या चाहत की हसरत मुझको नहीं इस घड़ी, तू जाने ना जहत, मोहब्बत से बढ़कर और बेहतर होती है बातें बड़ी। जरा देख ले, जरा देख ले मेरे नैनों में क्या देख। मगर आप शाही खानदान से हैं और हम आपके सेवक हैं, प्रजा हैं। आप हमारे परिवार में विवाह करना चाहते हैं, ये तो गलत होगा। और मैं अरे हट, ए राणा राणा, अरे तू कब आया? तू कब आएगा, कहाँ आएगा, किसी को पता नहीं चलता। वो क्या है, युवराज मेरा कारखाना देखना चाहते थे ना, इसलिए पिछवाड़े। हाँ, वो एक मूर्ति दिखा। मामा जी छुपाइए मत, सच बताइए। नहीं कुछ नहीं, मैं जाता हूँ। सच मैं बताता हूँ, मैं और तुम्हारी बहन एक दूसरे को बरसों से प्यार करते हैं। हम दोनों ने विवाह करने का फैसला किया है, मगर तुम्हारे मामा जी को एतराज है। नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं इस शादी से, मगर महाराज राजी हो तब ना। राजी क्यों नहीं होंगे? क्या महाराज युवराज का विवाह उन राज घरानों में नहीं करना चाहेंगे जो वंश और मान मर्यादा में उनके समान हो? मामा जी, जब दो दिल एक हो ये बातें कोई मायने नहीं रखती। मगर विवाह के लिए मायने रखती है, ऐसा तो महाराज खुद बोलेंगे। मामा जी, ये प्यार है, प्यार प्यार एक दूसरे की आंखों में सिर्फ प्यार देखता है, परिवार नहीं। प्यार एक दूसरे का दिल देखता है, महल दुमाले नहीं। प्यार एक दूसरे की खुशबू से खिलता है, वंश देखकर नहीं। सही कहा, सही कहा। आजकल तो मूर्तियां भी प्यार से खिलने लगी हैं। तुम दोनों का प्यार मुझे स्वीकार। धन्यवाद राणा। धन्यवाद किस लिए? धन्यवाद किस लिए, इधर देना उधर लेना। क्या मतलब? नशे में कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ। वैसे नशे से मुझे कुछ याद आ गया है। राणा, मुझे खुशी है कि तुमने हमारा संबंध स्वीकार कर लिया, मगर जैसा मामा जी ने कहा, शायद मेरे पिताश्री ये संबंध स्वीकार ना करें। मैं चलता हूँ। ये यमुना, क्या उसे अपनी आंखों से विदा देगी? नहीं भैया, मैं उन्हें विदा नहीं दे रही हूँ, मगर जैसा उन्होंने कहा, अगर महाराज को हमारा संबंध,
निर्माण कार्य की रफ्तार से हम प्रसन्न हुए। बहुत अच्छे, अंदर चलते हैं। राणा, वो कल वाली बात उसे मुझ पर छोड़ दो दोस्त, मैं संभाल लूंगा। कुछ दिनों से मैं तुम्हें ये कहने की सोच रहा था। मुझे लग रहा है कि महाराज के शत्रु राज्य के भीतर भी हैं। हमले की कई धमकियां हमें पहले भी मिल चुकी हैं। मुझे पिताश्री के जीवन की चिंता है राणा, केवल तुम ही। चिंता मत करो दोस्त, जब तक मैं हूं महाराज को कोई मार नहीं सकता। उदयवान, मेरा सुझाव है महाराज की सुरक्षा बढ़ा दी जाए। ठीक कहा तुमने, मैं अभी आज्ञा देता हूं। देवदेवन जी। कहिए युवराज। आइए। जो आज्ञा महाराज। ऊपर चले। हाँ चलो। कोट्टई पट्टिनम का सौंदर्य देखकर मुझे रोमांच हो आता है। हमें कोट्टई पट्टिनम की सीमा सितारों से भी आगे ले जानी चाहिए। कुछ नहीं हुआ है राणा, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? अरे आता हूं, दरवाजा इतना नजदीक नहीं है, सामने वाली गली में है, मुझे आना है, खोलना है। खोल दिया। अरे बाप रे, अब क्या हुआ मामा जी? प्रजा के द्वार पर महाराज, आपने आज्ञा दी होती तो मैं खुद हाजिर हो जाता। आइए पधारिए। ये मान सम्मान किस लिए युवराज? तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर महाराज और युवराज दोनों की प्राण रक्षा की, इसलिए तुम्हें धन्यवाद देने के लिए हमारी ओर से एक छोटी सी भेंट। अंदर ले आओ। जरा रुकिए महाराज, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था। ये भेंट देखकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। तुम्हें मेरी भेंट लेने में संकोच हो रहा है तो जो चाहिए मांग लो, मैं देने को तैयार हूं। तुम कुछ भी मांग सकते हो। मुझे युवराज चाहिए, मेरे परिवार के लिए दामाद, मेरी छोटी बहन यमुना के लिए पति। महाराज, दोनों एक दूसरे को बरसों से प्यार करते हैं, इसलिए मैंने आपसे यह मांगने की जरूरत की। क्षमा कीजिए महाराज, मैं यमुना को तहे दिल से प्यार करता हूँ। यहाँ किससे, कब, कहाँ, क्या मांगना है, ये तुम अच्छी तरह जानते हो राणा, चतुर हो। मगर अपने वचन से फिर नहीं सकता कोट्टई पट्टिनम का महाराज। हम इस संबंध के लिए राजी हैं। सुख दुख मिलके बांटेंगे हम, वादा 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 साथ, कभी ना तेरा छोड़ेंगे हम, वादा 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 हम दम। तू मेरी खुशी है, तू मेरी हंसी है, तू मेरी बंदगी, तू मेरी जिंदगी। आंखों में आंसू ना
संग रोज नया रूप होगा रोज नया रंग खोज लेंगे रोज नए चाहतों के ढंग जिंदगी में गीत होंगे गीतों में उमंग सुख दुख मिलके बांटेंगे हम वादा तेरा छोड़ेंगे हम वादा 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 हम दम प्यार की हदों से पार जाए तेरे लिए कुछ भी देख लूं नमी रह सकूंगा दूर तुमसे अब ना मैं कभी ले ले कसम वादे तू ले ले अब सभी पिता के रूप में मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब इस सिंहासन पर बैठकर इस देश के महाराज के रूप में मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। युवराज उदय भान ने एक ऐसी स्त्री से विवाह किया है जो ना किसी राज परिवार से है और ना किसी राजवंश से, इसलिए उदय भान ने आज से अपना युवराज पद खो दिया है। उदय भान ने इस सिंहासन का उत्तराधिकारी और मेरे बाद कोट्टई पट्टनम का महाराज होने का अधिकार भी खो दिया है। यह मेरी घोषणा है। तुमने इस देश का अगला महाराज होने का अधिकार अवश्य खो दिया है, फिर भी पुत्र हो तुम मेरे, इसलिए मेरे पुत्र होने के नाते राजमहल में रहने का अधिकार अब भी तुम्हारा है। धन्यवाद पिताश्री, मुझे आपका राज्य नहीं चाहिए, इसका साथ ही पर्याप्त है। जब मेरा कोई अधिकार नहीं है तो राजमहल में क्यों रहूं? मुझे आज्ञा दीजिए। यमुना बेटी, यमुना, यमुना क्या? राजकुमारी जी, आप कब तक ऐसे ही उदास बैठी रहेंगी? पता नहीं मैत्री, मुझे दुखी होना चाहिए अपने भाई के राजमहल छोड़कर जाने के लिए, या खुश होना चाहिए कि पिताश्री ने जैसे भाई के प्यार को स्वीकार कर लिया वैसे ही मेरे प्यार को भी स्वीकार कर लेंगे, नहीं जानती। राजकुमारी जी, राणा की बहन राजवंश से नहीं थी, तो महाराज ने जैसे युवराज को अलग कर दिया, हो सकता है आपको भी अलग कर दे। पिताश्री ऐसा मेरे साथ कभी नहीं करेंगे, और किया भी तो क्या, मेरा जीना मरना राणा के साथ ही है। मैंने ये बहुत पहले ही तय कर लिया था, मुझे इस फैसले से कोई नहीं दिखा सकता।
उपस्थित करो वदना को। कौन है वो? पकड़ो उसे। राजमहल का कोना कोना छान मारो। मारने आए थे क्यों? जब आदि और अंश शीशे की तरह साफ हैं तो मुझे और सफाई देने की क्या जरूरत है तुमको? तुम्हारा विश्वास करो कि जब शेष बची देशद्रोह जैसे उसने अपराध किया है इसलिए राणा को कारागार में डाल दो। तुम बच नहीं सकते रिपुदमन, मौत से बच सकते हो तुम लेकिन राणा से नहीं। तंत्र मंत्र तो सब कर दिया आपने, अब बताइए मेरी कुंडली क्या कहती है? महाराज आपकी कुंडली में दोष है मगर प्राण घातक नहीं, परंतु आपकी पुत्री की कुंडली में जो दोष है उससे आपके जीवन पर संकट आ सकता है। क्या? उस संकट को टालने के लिए कोई पूजा पाठ है? यदि इस माह के अंत से पहले राजकुमारी का विवाह अष्टम ग्रह में जन्मे किसी राजकुमार से हो जाए तो आपका जीवन बच सकता है। हा, हा, बस इतना ही? देव देवन जी महाराज, जो राजघराने वंशर मान मर्यादा में हमारे समान हो उनमें राजकुमारी के लिए वर देखो, कुल के गौरव के अनुकूल संबंध होना चाहिए। जो आज्ञा महाराज, परंतु राजकुमारी के दिल में तो राणा बसा हुआ है, फिर वो व्यर्थ की बात मत करो। जिसने उसके पिता की हत्या करने का प्रयास किया उसके बारे में वो सोच भी कैसे सकती है? सुलग रही हूं हम
सब लोग बाहर जाओ। जो आज्ञा राजकुमारी जी। चलो। दरवाजा खोलो। राणा। क्यों? क्यों राणा? क्यों मेरे पिताश्री को मारने आए थे? गलत नहीं। तुम्हें बताना गलत नहीं है। कई बरसों से एक इंतकाम की आग मेरे सीने में धधक रही है। तुम मेरी हमदम हो, तुम्हें यह बताना गलत नहीं होगा। कोचड़ियान, मेरे पूज्य पिताश्री, जितने महान योद्धा उतना ही शानदार उनका जटाधारी रूप, प्रजा के दिल में राजा से भी अधिक प्रिय सेनापति।
लोगों का दुख दर्द समझने वाला शूर वीर शिव भक्त थे पिताश्री। हर शिवरात्रि अपने घटीले शरीर और लंबी जटा के साथ जब वो तांडव करते तो प्रजा को साक्षात शिव के अवतार लगते। उनका ये आनंद तांडव देखने पूरा नगर आता। जैसे शिव भक्ति के लिए था उनका तांडव, देश भक्ति के लिए था उनका युद्ध कौशल। उनके साहस और शक्ति से कोटईपट्टिनम के सीमाएं चारों ओर बढ़ने लगी। उनको मिलने वाला मान सम्मान लोगों के दिलों से निकलता था। प्रजा उन्हें इतना प्यार करती थी। अपनी महत्वाकांक्षा के लिए कोचड़ियान का इस्तेमाल करने वाले महाराज को भी लगने लगा था कि प्रजा के दिलों पर राज कोचड़ियान का है। उनका व्यवहार इतना मीठा था कि दरबारी भी उनकी सुनते थे। राज्य के सारे महत्वपूर्ण निर्णय कोचड़ियान ही लेते थे। जो लोग अब तक राज्य कर नहीं दे रहे थे कोचड़ियान की नियुक्ति के बाद देने लगे हैं। कोट्टईपट्टिनम तो कोचड़ियान पर ही निर्भर है ना। इस वर्ष आपने कर भी अधिक जमा किया है, बधाई हो। इसका श्रेय कोचड़ियान को जाता है महाराज। आश्चर्य की बात है, तुम भी राज कर देने लगे। कोचड़ियान के डर के मारे हम भी राज कर देने लगे महाराज। कोचड़ियान कोचड़ियान कोचड़ियान, जिधर देखो कोचड़ियान कोचड़ियान। महाराज कोचड़ियान को तो मैं राज सत्ता को धीरज नहीं खोना चाहिए, उसे उचित अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कोचड़ियान भी हमें अवसर देगा।
कोट्टपट्टिनम के सेनापति मेरे पिताश्री सेना को और ताकतवर बनाने के लिए अपने सैनिकों के साथ पारस देश से घोड़े और हथियार खरीद कर वापस लौट रहे थे। उसी रात कोचड़ियान का जहाजी बेड़ा नजदीक आ रहा है, तैयार हो जाओ। कलिंगपुरी के सैनिकों को समुद्री डाकू क्यों बनना पड़ा? बोल। जो अरबी घोड़े और हथियार आप फारस से लेकर आ रहे हो, उन्हें चीन कर अपनी सेना की ताकत बढ़ाएं, यही हमारे कलिंगपुरी महाराज की आज्ञा थी। शत्रु को आमने सामने मुकाबला करके जीतना ही एक राज्य का युद्ध धर्म है। अपने शत्रु के शस्त्र चुरा कर अपनी सेना की शक्ति बढ़ाना कायरों का काम है। ये कोचड़ियान ने कहा है, कह देना अपने महाराज से। जाओ सेनापति, शत्रुओं को खत्म कर देना चाहिए था, जीवित क्यों जाने दिया? दुश्मनों को हराने के सैकड़ों तरीके हैं। पहला तरीका है माफी। बदलाव जरूरी है, जो वक्त के साथ बदलेगा जिंदा रहेगा।
सबर करो, इंतजार करो। तुम छलनी से पानी भर सकते हो अगर पानी के बर्फ होने तक इंतजार कर सकते हो। पैसे से कुछ देर की मुस्कुराहट खरीदी जा सकती है, हमेशा की खुशी नहीं। दुश्मनों की तलवार से ज्यादा खतरनाक है झूठे दोस्तों का प्यार। अगर तुम सूरज के जागने से पहले जागोगे तो तुम सूरज को भी हरा दोगे। तुम ना अपने रूप से जाने जाओगे, ना रंग से, ना आत्मा से, ना अपने नाम से। तुम जाने जाओगे अपने काम से। जितना यकीन है रब पे तुम्हें, उतना यकीन है तुझ पे हमें। नीली नई छत से वो मुस्काए, जो भी चाहे करना वो कर जाए। हुकुम देने वाला हुकुम देता है, रास्ता दिखाने वाला साथ देता है। तुम्हें हुकुमरान बनना है या रहबर? अगर मुश्किलों से भागोगे तो वो तुम्हारा पीछा करेंगी, अगर हिम्मत से उनका सामना करोगे तो मुश्किलें भागेंगी। गुस्से पे काबू रखो, जो गुस्से में उठता है वह हार के बैठ जाता है। दोस्तों, ये भी गुजर जाएगा। सेनापति, सेनापति। मैं आनंद के सागर में तैर रहा था अपने परिवार के साथ। कलिंगपुरी के सैनिकों को खदेड़कर हमारे सैनिक भोजन करके सोने चले गए हैं, मगर आपने अभी तक भोजन नहीं किया, इसीलिए इस जहाज के सैनिक प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं तो अपनी पत्नी को भी मेरी प्रतीक्षा नहीं करने देता, तो तुम लोग क्यों बिना खाए बैठे हो? वफादारी और सम्मान दिल के लिए रहने दो, पेट के लिए नहीं। क्या हुआ मेरे सैनिकों को? जहाजों को लंगर डालकर तुरंत रोको।
वैद्यराज क्या हुआ इन्हें? कलिंगपुरी के सैनिकों ने हमारे भोजन में विष मिला दिया है सेनापति। विश्वासघात, उन्होंने हमारे जीवन से खिलवाड़ किया। वैद्यराज हमारे पास विष हरने वाली औषधि तो होगी? है, परंतु पर्याप्त नहीं है। हम थोड़े ही सैनिकों को बचा पाएंगे। और कहाँ मिलेगी? इसके लिए तुरंत किनारे पहुँचना पड़ेगा, वहीं औषधि बनाने के लिए जड़ी बूटियाँ मिल सकेंगी। शीघ्र ही विष हरने की औषधि नहीं दी गई तो कोई नहीं बचेगा। सबसे नजदीकी किनारा कहाँ है? सबसे नजदीक कलिंगपुरी ही है, हम सूरज निकलने तक वहाँ पहुँच सकते हैं। सारे जहाजों को कलिंगपुरी की तरफ मोड़ दो। सेनापति जी, जो हमें मारने आए थे, हम उन्हीं के पास सहायता मांगने जाएं? सैनिकों का जीवन मेरे लिए ज्यादा कीमती है। महाराज, कोचड़ियन अपनी सेना के साथ हमारी ओर बढ़ रहा है। स्वागत कोट्टई पटनम के मान सम्मान के रक्षक महासेनापति कोचड़ियन। स्वागत करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे आने का उद्देश्य समझ लीजिए। जानता हूँ तुम भीख मांगने आए हो, शत्रु से प्राणों की भीख। मैं भीख मांगने नहीं, आपको सिर्फ एक अवसर देने आया हूँ। कैसा अवसर है? हमारे भोजन में विष मिलाकर आपने जो विश्वासघात किया, उसका प्रायश्चित करने का अवसर। जो मैंने किया वो विश्वासघात नहीं, राजनीतिक कौशल था, राज्य हित में। मेरे सैनिकों को विष देकर मारने का षड्यंत्र राजनीतिक कौशल नहीं, आपकी कायरता का प्रमाण है। पता नहीं तुम कैसे बच गए। मेरे इष्ट देव शिव की कृपा से, जिनके आगे किसी की भी नहीं चलती, स्वयं यमराज भी नतमस्तक है। युद्ध में ही नहीं बोलने में भी कुशल हो, अपने सैनिकों की प्राण रक्षा के लिए आओगे ये मैं जानता था। उन्हें विष हरने वाली जड़ी बूटी देकर अपनी प्रजा के सामने एक योग्य राजा होने का प्रमाण दीजिए। बदले में हमें भी कुछ चाहिए। ये सब सैनिक जो तुम्हारे साथ आए हैं और इस धरती पर स्वस्थ होकर जीवित बचने वाले तुम्हारे सैनिक और तुम्हारे घोड़े सब हमारे हो जाएंगे। कहो स्वीकार है? महेंद्रराज, ये कोचड़ियन अपने देश और देशवासियों की रक्षा के लिए जन्मा है। आपकी इच्छा के अनुसार मैं अपने सारे सैनिकों को यहाँ छोड़कर जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या है वो शर्त? मेरे सैनिकों को आप गुलाम की तरह नहीं, वीर सैनिक की तरह रखेंगे। मैं वचन देता हूँ। मगर ये मत सोचिएगा कि ये हमेशा के लिए है। मैं इन्हें छोड़कर जा रहा हूँ इस विश्वास के साथ कि एक दिन आऊंगा और इन्हें छुड़ा कर ले जाऊंगा। आता हूँ। सेनापति जी, हमें छोड़कर मत जाइए, हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, पर आपको खोना नहीं चाहते। महाराज, कोचड़ियन को यही। मूर्ख, कोचड़ियन एक व्यक्ति नहीं पूरा देश है। आज अभी इसी समय हमारी सारी सेना को तैयार करो, कल हमें कलिंगपुरी पर आक्रमण करना है। देशवासियों, मेरे साथ गए सभी सैनिक सुरक्षित हैं, घर लौटने के शुभ दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए। क्या
सेनापति जी, महाराज ने आपको बंदी बनाकर उपस्थित करने की आज्ञा दी है। कोचड़ियान को क्यों बंदी बनाया जा रहा है? कोचड़ियान की क्या गलती है? वही मुझे समझ में नहीं आ रहा। धर्मा आओ चलते हैं। ए राणा रुक जा। धर्मा जल्दी करो। धर्मा प्रणाम महाराज। जो आज्ञा महाराज। कोट्टई पट्टिनम के भूतपूर्व सेनापति श्रीमान कोटचड़ियान, तुम्हारे ऊपर कई आरोप हैं। पहला अपराध, अपने हजारों वीर योद्धाओं को खोकर लौटे हो, इसलिए हमारी दृष्टि में युद्ध अपराधी हो। दूसरा अपराध, तुम्हारे कारण फारस देश से बड़ी कीमत देकर खरीदे गए घोड़े हमने खो दिए, इसके लिए तुम राज्य को आर्थिक क्षति पहुंचाने के अपराधी हो। तीसरा अपराध, तुमने हमारे सैनिक और घोड़े हमारे पीढ़ियों के शत्रु को देकर उसे बलवान बनाया, इसलिए तुम हमारी दृष्टि में अपनी मातृभूमि के विरुद्ध देशद्रोह के अपराधी हो। सेनापति कोचड़ियान, तुम्हारे ऊपर लगाए गए आरोपों के जवाब में तुम्हारी क्या सफाई है? जब आदि और अंत शीश की तरह साफ है तो मुझे और सफाई देने की क्या जरूरत है? अर्थात तुम अपने अपराध स्वीकार करते हो? मैं निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम्हें अपने जीवन का भय नहीं? मुझे अपने सैनिकों के जीवन का भय है, इसीलिए निर्भय होकर बोल रहा हूँ। गलत मत समझिएगा। अभियोग की जांच खत्म हुई। देशद्रोह जैसे निकृष्टतम अपराध के लिए मैं कोचड़ियान को सरेआम मृत्युदंड देने का आदेश देता हूँ। मैं आपका मृत्युदंड तहे दिल से स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे एक अवसर और दिया जाए। किस लिए? हमारी सेना लेकर अपने सैनिकों और घोड़ों को छुड़ा कर लाना चाहता। तुम्हारा विश्वास कर लूं और शेष बची सेना को भी खो दूं? मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। तुम पहले ही मेरा विश्वास खो चुके हो। कल तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। हिम्मत मत हारना गागी। बाबा, बाबा। धर्मा, हमारे कुल की परंपरा रही है अपने प्राण देकर भी अपने देश और महाराज की रक्षा करना। मेरे बाद अब तुम्हें अपने देश और महाराज की रक्षा करनी होगी। बाबा, आपकी आज्ञा मेरे लिए मेरा पहला कर्तव्य है। सबसे खास बात, कलिंगपुरी में जो सैनिक इस उम्मीद से इंतजार कर रहे हैं कि मैं एक दिन आकर उन्हें आजाद करूंगा, उन्हें वापस लाना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। बेटी यमुना, अपने पिता को आखिरी बार देख लो। जीजा जी, आप सब कुछ छोड़कर। हमारी सेना शत्रु देश में जान के लिए लड़ रहे हैं। हटिए, मुझे जाने दीजिए। बच्चों का प्रवेश वर्जित है। ये कोचड़ियान के बच्चे हैं, इन्हें जाने दो। धन्यवाद। आओ राणा, धर्मा। कोट्टई पट्टिनम के महाराज, दंड देने के पहले प्रजा को बताइए कि मेरे पति ने क्या अपराध किया है जिसके लिए उन्हें मृत्यु दंड दिया जा रहा है, उसके बाद दंड दीजिए। उसने अपराध किया है देशद्रोह का। देशद्रोह? सुना देशवासियों, प्रजा के प्राणों की रक्षा करना देशद्रोह है। हमारे सैनिकों को प्राण रक्षा के लिए कलिंगपुरी में छोड़ दिया, इसके लिए मेरे पति को मृत्युदंड? यानी उन वीर सैनिकों के परिवारों और प्रियजनों की खुशी का ख्याल करना
देशद्रोह है। कोई सही बोल रही है। कोई गलती नहीं है। कल कोई उन्हें आजाद कराकर वापस ले आता है तो क्या उन्हें स्वीकार किया जाएगा? अवश्य, वे सैनिक इस देश की संपत्ति हैं। उन्हें स्वीकार करने के लिए उनका जीवित होना आवश्यक है, मानते हैं ना? यही मेरे पति ने किया तो अपराध हो गया। बिल्कुल सही बात है। आज को कारगी के इस सवाल का जवाब जरूर देना चाहिए। आज वो अपराध है, कल कोई उन सैनिकों को आजाद करा कर लाएगा, तब देखेंगे। कोई उन्हें वापस लाता है तो क्या मेरा पति वापस आ सकता है? क्या आप उन्हें मृत्यु से वापस ला सकते हैं? सैनिकों को लाने वाला जो मांगेगा मिलेगा। आपका जीवन मामा तो चढ़ियान की जय हो। महाराज ऐसे बात करते हैं? ले जाओ इसे यहाँ से। छोड़ दो मुझे, मुझे भी उनके साथ मार डालो। चढ़ियान की जय हो। महासेनापति को चढ़ियान की जय हो। बाबा कहाँ जा रहे हैं? भगवान के पास। मैं भी आऊंगा। उन्होंने मुझे अकेले बुलाया है। मुझे कब बुलाएंगे? सबको बुलाया जाता है एक दिन, विधि के विधान के अनुसार। मगर तुझे अभी बहुत कुछ हासिल करना है। आपने हासिल कर लिया है बाबा। उससे पहले ही मेरा बुलावा आ गया। चिंता मत कीजिए बाबा, आपने जो छोड़ा है मैं पूरा करके आऊंगा। धन्यवाद मेरे बच्चे। बाबा छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो। बाबा बाबा, महाराज इन्हें मुझे छोड़ने के लिए बोलो। महाराज इन्हें मुझे छोड़ने के लिए बोलो। बाबा अपना ख्याल रखना। उस कच्ची उम्र में जब मुझे कुछ पता नहीं था, मेरे अंदर इंतकाम की आग जलने लगी। जैसी बाबा की अंतिम इच्छा थी कोट्टईपट्टिनम के सैनिकों को वापस लाना, मेरा पहला कर्तव्य था। इसके लिए मुझे कलिंगपुरी जाना ही था। मेरी बेटी को अलग करने की कोशिश कर रहा है, दिन में सपने देख रहा है। मैं दिन में सपने नहीं देखता, वो सच नहीं होते। अब रात को भी नहीं देख पाएगा। सोऊं तब ना नींद नहीं आती, तुमसे इंतकाम लेने के लिए। मुझसे इंतकाम लेना चाहता है? यहाँ से निकलने की भी मत सोचना। दो बार तुम मौत के मुंह से बच गए, सोच उसके बारे में रहा हूं। पहली बार जब मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की तो बदकिस्मती से मेरी बहन के पति तुम्हारे बेटे ने तुम्हें बचा लिया, और दूसरी बार तुम्हारी बेटी मेरे प्यार ने गलत समय पर तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हें बचा लिया। अब तुझे कोई अवसर नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय महाराज, अवसर मिलते नहीं, पैदा करने पड़ते हैं। तुझ जैसी जुर्रत और भी कोई करने की ना सोचे, इसलिए कल सूर्योदय के साथ तुझे सरेआम मृत्युदंड दिया जाएगा। मृत्युदंड सरेआम मेरा? अगर प्रजा चाहेगी तो मृत्युदंड को मृत्यु देकर वापस भेज देगी। राणा, तू बाहर से ही नहीं, भीतर से भी कोच्चडयान है। वही खून है तो वैसा ही होगा। इसकी पहरेदारी के लिए सैनिक हटा लो और खूंखार जानवर रख दो।
महाराज, गुप्तचरों ने सूचना दी है कि कलिंगपुरी की सेना हम पर आक्रमण करने के लिए सीमा के अंदर तक घुस आई है। हमारी सेना को तुरंत तैयार होने का आदेश दो। माफ करना सेनापति, राणा के बिना हम युद्ध नहीं करेंगे। जिसने हमारे कुल की रक्षा की, उनके बिना हम रणभूमि में नहीं उतरेंगे। सही मार्गदर्शन ना हो तो हम अपने आप को बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। वे लड़ने से इनकार कर रहे हैं, कारण? सेना में राणा के आजाद किए गए सैनिक और उनके परिवार के लोग ज्यादा हैं, इसलिए उनकी वफादारी और हमदर्दी राणा के साथ है। यानी कोचड़ियान राणा रणविजय के बिना हम ये राज नहीं चला सकते क्या? हमारे देश पर कोई भी संकट आए, आगे बढ़कर देश को बचाने की परंपरा कोचड़ियान की रही है। राणा की तलवार में ही इस देश की हर सांस सुरक्षित है। राणा को आजाद कर दीजिए महाराज। जो महाराज को मारने आए थे उसको आजाद करने को कह रहे हो क्या? राणा कारागार से भाग निकला महाराज। क्या? राणा कहीं भी छिपा हो उसे जल्द बंदी बनाया जाए। आक्रमण के बारे में हम बाद में सोचेंगे, हमें पहले चाहिए राणा। महाराज, इस तरह क्रोध करने से कुछ हल नहीं होगा। अगर आप कहें तो मैं एक रास्ता बताऊं। राजकुमारी की कुंडली के बारे में राज ज्योतिषी की बात याद है? कोट्टई पट्टिनम को यदि कलिंगपुरी के आक्रमण से बचाना है तो तुम्हें मेरा कहा मानना पड़ेगा। क्यों अचानक ये संधि का प्रस्ताव किस लिए? क्या हमारी विशाल सेना देखकर डर गया है तुम्हारा रिपुदमन? उन्हें राज्य के भीतर गृह युद्ध का डर अधिक है बजाय बाहर के आक्रमण के, इसीलिए संधि चाहते हैं। कैसे? क्या देंगे? कितनी धरती, कितना धन? धरती और धन देकर संधि नहीं, अपनी पुत्री का हाथ आपके पुत्र के हाथ में देकर संबंध करना चाहते हैं। तो विवाह के बहाने हमें आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। आप यही समझना चाहते हैं तो यही सही। वीरभद्र, तुम्हारा क्या निर्णय है? यदि मुझे राणा रणविजय देने को तैयार हो तो मुझे सब स्वीकार है। एक और विशेष बात, विवाह दोनों देशों के सीमाओं के बीच में होनी चाहिए। मेरे प्रिय प्रजाजनों, मेरे बाद कोट्टई पट्टिनम पर शासन करने के लिए अपनी पुत्री वदना को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा में हृदय पूर्वक दोनों राजों के सामने कर रहा हूँ। महाराज सही नहीं कर रहे हैं। विवाह के विधि विधान आरंभ किए जाए। पहले मुझे अपनी प्रजा से कुछ कहना है। कलिंगपुरी के योद्धाओं, पीढ़ियों से हमारा शत्रु देश रहा है
कोट्टाईपट्टिनम। आज अपनी राजकुमारी का विवाह तुम्हारे राजकुमार वीरभद्र से करके पूरे देश को हमारे अधीन कर रहा है और तुम्हारे राजकुमार उनके राज्य के महाराज बनने जा रहे हैं। तो कलिंगपुरी के युवराज अब हमारे महाराज बनने वाले हैं? पिताश्री, उन्होंने आपकी शर्तें तो मान ली, मगर मेरी शर्त के मुताबिक कोच्चडैन राणा रणविजय को अभी तक मेरे हवाले नहीं किया। दंड के डर से वो राज्य में ही कहीं छिपा हुआ है, पकड़ में आते ही उस कायर को आपके हवाले कर देंगे। राणा, तुरंत आत्मसमर्पण कर दो, ये राजाज्ञा है। प्रजा के बिना ना कोई राज्य होता है ना राजा। राजा वो नहीं जो बंजर धरती पर राज करे, प्रजा के दिलों पर राज करे वो होता है महाराज। मैं महाराज हूँ या नहीं इसका निर्णय करने वाला तू कौन होता है? तू तो एक अपराधी है जिसे दंड मिला है। और तुम ऐसे अपराधी हो जिसे दंड मिलेगा? मैं एक अपराधी? हाँ, मात्र 3,000 सैनिकों को शत्रु देश में छोड़ आने के लिए मेरे बाबा को चड़ियान को देशद्रोही करार देकर मृत्यु दंड दे दिया गया था। उसी शत्रु देश को पूरा का पूरा कोटे पट्टिनम सौंप देने वाले तुम क्या हुए? महादेशद्रोही। बस करो नाटक, तेरा नाटक खत्म हुआ। सब कुछ तो तुमने शुरू किया था, अब इसे खत्म करेगा राणा। बचपन से देखी है तेरी कला, अपनी कलाकारी दिखाने में माहिर है तू, अच्छी तरह से जानता हूँ। हाँ, यही कलाकारी दिखाने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। कल हो या आज, जब तक मैं जिंदा हूँ खत्म नहीं होगी ये कला। हमारी शत्रुता कभी खत्म नहीं होगी। कलिंगपुरी के सैनिकों, यहाँ खड़ी सारी प्रजा को खदेड़ दो और राणा को बंदी बना दो। तुम्हारे सैनिकों से डर कर भागने वाले नहीं है मेरे लोग, तुम्हें मार कर भगा देंगे ये वीर। कोट्टाईपट्टिनम के शेरों, आज अपना असली रूप दिखा दो। चलिए राजकुमारी जी। देखी मेरे देश के रथ गज अश्व और पैदल सेना। आक्रमण! शंभो महादेव। Thank you.
कि देश दोस्ती से बड़ा होता है। देश दोस्ती से बड़ा होता है, तुमने ही कहा था। युवराज हम हार गए हैं, पीछे हटने के सिवा और कोई चारा नहीं है। चलिए युवराज। मेरे बाद अब तुम्हें अपने देश और महाराज की रक्षा करनी होगी। धर्मा
सोना चांदी तोहफा है तेरी जीत का जवाब, पर तेरी नजर में मिट्टी है सब तू बेनर्स जवाब, तू बेनर्स जवाब, तू बेनर्स जवाब।